असलम जी वेलकम टू माय अनदर वीडियो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे खैरियत से होंगे जैसे कि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा रेन वरीन हुई थी तो उस लिया से मैंने कबड़ वगैरह अपनी सेट की और उसके बाद कुछ ये ड्रेसेस निकले जिनके ऊपर मतलब लेसिस वगैरह लगी हुई थी मैं मैं तो बिल्कुल वेयर नहीं कर किए जा सकते जो ये वेदर अच्छा होता है तो मैं लाजिम ये वेयर कर रही थी तो आज वेदर जैसे अच्छा था तो मैंने इसको आयरन कर लिया हाँ जुम्मी को जो जाना था मेडिसिन वगैरह लेने और एक आध कोई और चीजें थी तो मैंने सोचा मैंने भी अपनी हेयर केयर स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी हेयर केयर के लिए प्रोडक्ट्स ले आते हैं मैं अच्छा देख के मैंने ये ड्रेस निकाला लेकिन जाहिर सी बात है गर्मियों का वेदर था तो ये पहन गई उलझन होने लग गई और मैंने वापिस इसको उतार दिया और अलमीर को पहले मैंने नहलाया उसके बाद उसने जो ड्रेसेस वग़ैरह उतारे और जैसे ही रूम जैसे मैसी होने लगते हैं मैं साथ साथ नीट क्लीन कर देती हूँ ताकि आप जब वापिस आए ना तो आपका रूम एवरीथिंग जो है ना नीट क्लीन होनी चाहिए नीट ट्वाइस के अंदर रहता है फिर मैं आकर हाँ जो है ना बास्केट के अंदर डाल देती हूँ अगर उसका मूड होता है तो वो डालता है वरना डाल देती हूँ ताकि जो है ऑर्गेनाइज रहे हर चीज़ और आपको ज़्यादा एफर्ट की जरूरत ना पड़े और आप जब घर आए तो आप पुस्कून फील हो आप रेस्ट करें ना कि आपके अपना बिखरा हुआ रूम वगैरह समेतें जो प्रोडक्ट्स वगैरह लेने के जो चीज़ें लेनी थी वो मैं मैसेज कर रही थी ताकि जो है ना एक दफ़ा दोबारा अगर रिवाइज uh, करना पड़े तो मैं देख लेती हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए ये जो ड्रेस डाला था बहुत गिरमी लग रही थी फिर मैंने चेंज करके दूसरा डाला और आप जो है हम जो, जो चलते हैं दे देखते हैं जो हमें अपने अकॉर्डिंग जो मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक जो अपनी हेयर केयर स्टार्ट की के है उसकी चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ से मिलते हैं पहले हम लोग जा रहे हैं जी इम्तियाज़ क्योंकि अम्मी ने कुछ सामान वहाँ से लेना था तो हमने सोचा पहले इम्तियाज चिड़े जाते हैं वहाँ से हमें फिर भी चीज़ें नहीं मिली थी तो फिर हम लोग जो है ना गीगा मॉल चिरे गए थे और मैंने अपना हेयर्स का प्रॉस्पेरिटी चेक किया है क्योंकि वो जो है ना ग्लास के अंदर आप डाल के जो है न देख लें अगर आपका ऊपर ही तैरता रहता है बाल तो आपकी लो प्रॉस्पेरिटी अगर मीडियम में आ जाता है तो मतलब मीडियम है और अगर डाउन मतलब बैठ जाता है तो आपके हाई प्रॉस्पेरिटी है तो मेरे लोअ हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टेक्नोलॉजिस्ट और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद जो मुझे हेयर केयर अपनी मतलब अपने अकॉर्डिंग अच्छी लग रही थी तो मैंने वो ली क्योंकि जो प्रोडक्ट्स वहाँ नहीं थे तो जो दूसरे कंपनी का कोई भी उसके अंदर खसूसियात थी तो मैंने सोचा वो ही ले दे देते हैं या, यहाँ जी एयर मीर्स हो चुके हैं तो ये कोई ग्यारह का टाइम था और अब जो है ना मैं अपनी हेयर केयर की आज पहले रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ आज ऑयलिंग से अपनी हेयर केयर स्टार्ट करनी है तो मैं इसकी जो डिटेल वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि अक्सर माएँ होती हैं ना वो कहती हैं कि हमारे बच्चे जो है ना हैं तो हम कैसे अपनी हेयर केयर करें और अपनी स्किन केयर करें तो आप देखें दस ग्यारह मिनट आप अपने लिए निकाल लें और उसमें अपनी हेयर केयर कर लें जब बच्चा सो हो जाए जाहिर सी बात है कुछ एफर्ट तो करनी पड़ती है मैं घर के सारे काम भी करती हूँ अपने बच्चे को भी संभाल लेती हूँ और उसके बाद मुझे अपने ऊपर भी तोज्जो देनी है तो इन मैं आपसे अपनी रूटीन और अपनी केयर वगैरह सारी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी इसके रिज़ल्ट कैसे आए नोबलॉस्पैरिटी वालों में ये होता है कि इनके जो पोर्स होते हैं वो ना क्लॉक हो चुके होते हैं मतलब उनके अंदर कुछ चीज़ पैनिट्रेट ही नहीं करती जिसकी वजह से ना वो नरिशमैन मिलती है उनको ना उनकी नशो नुमा होती है ना हेयर्स की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजी और डल हो जाते हैं ये जी मैंने शैम्पू लिया है हॉर्गन ऑयल वाला ये फ्रीजी हेयर और ड्राई के दिए तो ये अनक्लॉक करेगा आपके जो पोर्स हैं ना उनको और इंशाल्लाह आपके जब हैंड वगैरह क्लीन होगा तभी जो है ना आपके पोर्स ओपन होंगे तो आपका जो सीरम है आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आपके हेयर्स तक पहुँचेगी उनकी ग्रोथ भी होगी फिर जो मैंने ऑयल लिया है वो लिया अनियन वाला ऑयल ये भी नहीं, क्योंकि पोर्स अनक्लॉक करने के लिए था तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट है आजकल नींद के बहुत ज़्यादा हाइप है तो ही मानी ये मानी कि मैं जो प्रोडक्ट्स मिले थे रिवाज आज का ये ऑर्गन सीरम मिला था मुझे और मैं इनके जो रेट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर देती हूँ कि जिन मेरी बहनों ने हेयर केयर स्टार्ट करनी के है तो उनको पता हो कि कितनी मतलब रेंज सब मिल जाएंगे सिक्सटीन ट्वेंटी तक ओवरऑल uh, मतलब इसका है और कुछ एक दो चीज़ें हैं ना उसको मिला के ये एट फिफ्टी वन बना था इसका हेड बट इन तीन प्रोडक्ट्स के जो है ना सिक्सटीन फिफ्ट ट्वेंटी की आज आ गई थी ये जी ऑयल था ये फोर नाइन्टी का था और जो मतलब कि सीरम है ये है जी ये सिक्स सीरम है सिक्स फिफ्टीन का और जो शैम्पू है वो है जी आई थिंक मैं देख के बताती हूँ ये ये देखें जी शैम्पू था फाइव सेवेंटी फाइव का फाइव सेवेंटी फाइव का शैम्पू है और ये जो ऑयल है ये है जी फोर नाइन्टी का ठीक है ये इसका सिक्सटीन ट्वेंटी इसका था बिल और दो चीज़ें और थी तो इसके अंदर एटीन फिफ्टी वन दिखा हुआ है आज का जी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपको सबसे पहले अपने हेयर्स को ना स्टीम देनी है तो रात का वक्त है तो मैं ज़्यादा जो है ना टावर वगैरह लेके स्टीम नहीं दे सकी तो मैंने जो है ना सिंपली जो ड्रायर होता है ना उसको उससे थोड़ा सा हीट देती ताकि जो है ना आपके बोर्स जो है ना ओपन हो सकें और आप फिर ना ऑयल को थोड़ा सा गर्म नीम गर्म जैसे होते हैं बद ये न हो चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना गर्म करके आप रखिए रखे हाथों तो मसाज करें अपनी जो रूट्स वगैरह में ताकि जो है ना इजीली आपके जो हेयर्स के अंदर ये ऑयल जाच के आपको जो है ना इसका बेनिफिट लाजिम मिले तो आज की केयर यहाँ था कि सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग में जैसे जैसा स्टेप वाइज हेयर केयर होगी मैं आपको खूब साथ साथ बताऊंगी और इंशाल्लाह हम इसके रिज़ल्ट लाजिम देखेंगे दुआ कि जी का ये प्रोडक्ट बेनिफिशल हो टू तो थ्री मंथ्स बाद इनके रिज़ल्ट शेयर करूंगी यहाँ जी अपनी एलर्जी वाली मेडिसन देते हैं और आते हैं जी रेस्ट करने और मिलते हैं नेक्स्ट और डिटेल हेयर केयर रूटीन के साथ और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़